इलाके गोलकुंडे के रेती की मस्जिद की गली में मोहम्मद माजिद अंसारी पर नामालूम अफराद ने खातिलाना हमला कर दिया। पुलिस तफसीलात के मुताबिक 40 साल मोहम्मद माजिद अंसारी जुमे की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकले ही थे कि नामालूम अफराद ने तेज़ हथियारों के साथ इन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गए। इन्हें फौरी तौर पर एक खानगी दवाखाना मुंतकिल किया। डॉक्टर्स ने इनकी हालत तशीशनाक बताई। मुकामी अफराद ने बताया कि शकील और इसके साथियों ने हमला किया। गोलकुंडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। मैं था मस्जिद से बाहर निकल जाने के बाद मालूम हुआ तो मैं जो है ना फिर गाड़ी पे बैठ के आया हुआ चौरस्ते पे। मालूम हुआ कि गोलकुंडा हॉस्पिटल ले गए। मैं गोलकुंडा हॉस्पिटल में मेरे बच्चे की हालत को देखा तो बहुत खतरनाक थी। खून बह रहा था सर से, पैरों से, हाथों से, पूरा खून में लथपथ था। मैंने उसको ले लेके सीधा वही हॉस्पिटल आया। अब यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बाद क्या होगा वो अल्लाह मालूम। कानूनी जो भी जब्त की कार्रवाई वो करेंगे। मारे जो है ना वो बस्ती के बच्चा है, शकील का नाम है, और दूसरे कौन कौन है पता नहीं। उनको आने के बाद बच्चा होश में आने के बाद ही पूरा मालूम है कि कौन कौन मिल गया उसको मारे। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। इनकी एज क्या होगी? 40 साल है बेटा। कुछ लड़ाई या पैसों का? नहीं नहीं, पैसों का लड़ाई झगड़े का कुछ भी नहीं। क्या बिजनेस है? आपका नाम? मैं गुड़ियान पे तुम बाला हिसार के पास। नाम? मोहम्मद साजिद अंसारी।